Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. ये chemical reactions of alkene के हमारे continue हैं, जिसमें क्या हम जो है ये addition reaction discuss कर रहे हैं. ये तीसरा addition reaction जो है addition of sulfuric acid है. Alkene में क्या जब आप sulfuric acid add करते हैं, तो alkyl hydrogen sulfate बनता है. मैंने क्या ethene लिया है, ethene को क्या ये cold concentrated sulfuric acid के साथ treat किया है, तो ethyl hydrogen sulfate बनता है. Sulfuric acid को आप H2SO4 भी लिख सकते हैं, H क्या है OSO3H भी लिख सकते हैं. मैंने इस पर polarity दिखाई है, तो ये क्या है electron deficient है, ये oxygen पर electron ज्यादा है, ज्यादा खींचते हुए इसके electron इस तरह से molecule polarize हो जाता है. तो आपके साथ पास चाहिए ये addition क्या होती है, तो ethyl hydrogen sulfate बन जाता है, H इधर आ जाता है, bond एक खत्म हो जाता है, और क्या बाकी ये hydrogen sulfate साथ लग जाता है. तो ये बनने के बाद जब हम इसे क्या है ये boiling water के साथ treat करते हैं 100 degree centigrade पर, ethyl hydrogen sulfate जो बना है जब हम उसे क्या है boiling water के साथ 100 degree centigrade पर ये treat करते हैं, तो क्या है ये decompose हो जाता है, और क्या it get converted into क्या alcohol, ethyl alcohol बन जाता है, जिसे ethanol भी कहते हैं, sulfuric acid as such निकल जाता है. तो इस तरह से ये reaction जो है कि ये hydration कहलाता है, इसमें पानी as a whole उसमें क्या है add हो जाता है, sulfuric acid as such निकल गया है. तो इस तरह से क्या है ये था addition of क्या sulfuric acid. आप hydration का step जो है एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसमें क्या आप इसमें क्या ये एल्कीन को क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड और 10% जो है मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ भी ट्रीट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और 10% जो है ये मर्क्यूरिक सल्फेट भी क्या ये सल्फेट भी ट्रीट करते हैं. तो आपके पास है ये इसमें से पानी होता, पानी क्या है ये जो है इसमें ऐड अप हो जाता है, इसमें से पानी क्या है मैंने क्या इसके साथ ट्रीट किया, साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी है H2SO4. तो जब क्या हम ट्रीट करते हैं तो पानी क्या है इसमें से जो पानी है वो रिएक्ट करता है, और क्या है ये जो बनता है अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बन जाता है. आपके सामने क्या ये अल्कोहल बना दिया, इथेनॉल बन जाता है. इस तरह से ये भी हाइड्रेशन का स्टेप है, तो एडिशन ऑफ वाटर है. पानी क्या है इसमें से 10% जो है वो आ जाता है, और क्या है पानी उसका हिस्सा बन जाता है, पानी एज ए होल क्या है रिएक्ट कर देता है, और क्या है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रेशन का स्टेप है. एडिशन ऑफ वाटर भी आप इसे कह लेंगे, तो एडिशन ऑफ वाटर जो है हाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, ये हाइड्रेशन का स्टेप ऐसे भी आप कर देते हैं हाइड्रेशन. हाइड्रेशन जो है आप ऐसे कर लेते हैं, जब एल्कीन इसके मिक्स पे 10% मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है फ्राम क्या है वाटर क्या है इज क्या है एडेड क्या है इन क्या है इथीन, एक एच इधर आ जाता है वह इधर आ जाता है, तो आपके पास अल्कोहल बन जाता है. तो इस तरह से क्या है ये आपके पास जो है ये इथेनॉल बन जाता है, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन भी कहते हैं. तो इस तरह से क्या है नेक्स्ट है ये चौथा रिएक्शन जो है ये एडिशन ऑफ हैलोजन है, और ये टेस्ट भी है, और अनसैचुरेशन का ये टेस्ट भी है. आप जो है चौथा रिएक्शन है, और क्या है ये एडिशन ऑफ हैलोजन है, एडिशन क्या है ऑफ जो हैलोजन्स इसे क्या है हैलोजिनेशन भी कहते हैं. मैं इसे क्या है हैलोजिनेशन भी कह सकता हूं, हैलोजिनेशन भी कहता हूं. हैलोजिनेशन क्या है एडिशन ऑफ हैलोजन होता है. इस तरह से जब क्या एल्कीन को क्या है आप जो है हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं,
in the presence of inert solvent, carbon tetrachloride, the addition may take place और क्या है, it get converted into क्या है, ये dihalide, ये ethene है, मैं इसमें क्या bromine क्या है, add करता हूँ, bromine का रंग reddish brown होता है, और क्या है, ये carbon tetrachloride की presence में reaction होता है, CCl4, ये inert solvent है, inert, non-reactive, inert solvent है, तो क्या होता है एक है जो है बीआर उधर और दूसरा बीआर जो है दूसरे कार्बन के साथ लग जाता है दोनों कार्बन जो है के साथ जो है ये बीआर आ जाता है और ये 1,2 डाइब्रोमो 1,2 के डाई डाइब्रोमो इथेन बन जाता है एडिशन रिएक्शन है और क्या है ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है ये विसिनल डाइहैलाइड है विसिनल का डाई हैलाइड्स हैं और क्या है ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है टेस्ट फॉर है अनसैचुरेशन इस तरह से क्या है यहां क्या है जहां ये अनसैचुरेशन होती है वहां क्या है ब्रोमीन का रंग डिस्चार्ज होता है ब्रोमीन का रंग रेडिश ब्राउन होता है Reddish brown color of bromine के is discharged color के of छे bromine discharge इस तरह से क्या है this is के test for unsaturation हम क्या है अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए ब्रोमीन ऐड करके देख सकते हैं अगर कलर डिस्चार्ज हो जाए तो ऐसा कंपाउंड जो है ये अनसैचुरेटेड होता है ये इथीन है इथीन के अंदर जो है अनसैचुरेशन है डबल बॉन्ड है इस तरह से क्या है नेक्स्ट है इसका जो है ये मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ क्या है Halogenation, addition of halogen mechanism. of halogenation. हम halogenation का mechanism करना चाहते हैं. कैसे क्या होगा? अब क्या जब क्या हम अल्कीन में ब्रोमीन डालते हैं तो ब्रोमीन जो है जो नॉन पोलर होता है उसमें थोड़ी सी पोलैरिटी डेवलप हो जाती है अल्कीन है तो मैंने इसमें क्या है ये ब्रोमीन क्या डाला है ब्रोमीन क्या मॉलिक्यूल Br2 होता है और क्या है ये पोलर हो जाता है पार्शियल क्या है ये नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है रिएक्शन क्या है इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अब देखने क्या है ये क्या है पाई इलेक्ट्रॉन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये से दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है ये क्या इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है ब्रोमीन को देता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये ब्रोमीन के एटम ले जाता है और ब्रोमाइड आयन बन जाता है इस तरह से क्या है एक है ये इंटरमीडिएट से जो है ब्रोमोनियम आयन बनता है ये CH2 है और क्या CH2 है इसके साथ जो ब्रोमीन के लग जाता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इससे क्या है हम ब्रोमोनियम आयन कहते हैं
ब्रोमीन एम आयन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसमें एक जो है ब्रोमाइड के ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अगले स्टेप में क्या, ब्रोमोनियम आयन के कार्बन पर जो है ये ब्रोमाइड के आयन अटैक करता है और 1,2-dibromoethane बना देता है। देखिए मैं इसे क्या है, ये ब्रोमोनियम आयन को इस तरफ ले आता हूं, ये ब्रोमोनियम आयन है, ब्रोमाइड आयन में क्या इसमें धरा देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन लेकर चले गया था एक, ये किसी एक कार्बन पर अटैक करता है। अब जो कि ये एसिमेट्रिकल है तो अब किसी एक पर अटैक कर सकता है, तो ये क्या जब अटैक करता तो ये इलेक्ट्रॉन टोटली इसके पास आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या आपके पास जो मॉलिक्यूल बनता है वो क्या 1,2-dibromo क्या ईथेन बन जाता है। ये देखें क्या आपके पास जाए इस पर अटैक कर रहा है CH2 पर, क्या ब्रोमाइड आकर लग गया और क्या ये जो है CH2 इसके साथ है ये दूसरा ब्रोमाइड क्या आ गया। इस तरह से क्या ये 1,2-dibromo क्या 1 क्या और 2-dibromo ईथेन क्या ये बन गया, ईथीन से ईथेन एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। और क्या है ये टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन, कलर ऑफ क्या है ब्रोमीन इज डिस्चार्ज टेस्ट फॉर जो है अनसैचुरेशन, इट इज टेस्ट जो है फॉर अनसैचुरेशन, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए टेस्ट है। ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी रिएक्ट कर देगा ब्रोमीन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी क्या रिएक्ट कर देगा। इस तरह से क्या ये मैकेनिज्म ऑफ क्या हैलोजन भी इख्तिताम को पहुंचा। मैं इसमें एक और मिसाल लिख देता हूं और देखें तो क्या ये मैं प्रोपीन क्या लिखता हूं, प्रोपीन जो है उसमें मैं क्या ये ब्रोमीन क्या वाटर डालता हूं। मेरे पास प्रोपीन का फार्मूला जैसे H3 और क्या डबल बॉन्ड के साथ CH2 लगा हुआ है। मैं इसमें क्या ये ब्रोमीन क्या वाटर डालता हूं और इसका रंग रेडिश ब्राउन होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होता है, तो एक भी यार इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, बॉन्ड एक है ये खत्म हो जाएगा। इस तरह से क्या ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3CH के साथ क्या एक BR लग गया और दूसरे क्या CH के साथ है दूसरा बन लग गया। और इस तरह से क्या ये प्रोपीन से क्या 1,2-dibromo 1 क्या 2-dibromo ये प्रोपेन बन गया। यहां भी क्या ब्रोमीन का रंग डिस्चार्ज हो जाएगा और क्या ब्रोमीन कलर डिस्चार्ज रेडिश ब्राउन कलर होता है, ब्रोमीन कलर डिस्चार्ज। इस तरह से क्या दिस इज क्या टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट है इट इज टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन। आप जो है इससे अनसैचुरेटेड कंपाउंड का अंदाजा लगा सकते हैं अनसैचुरेशन। आप इससे क्या है अनसैचुरेटेड कंपाउंड का अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह से क्या है ये जो है एडिशन के रिएक्शन जो है मैकेनिज्म के साथ ये खत्म हुए। इस तरह से
ये मेरा क्या जो चैनल है आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं, दोस्तों से इसको शेयर करें।